फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत मजे में होंगे। मैं भी बहुत मजे में हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये पील ऑफ मास्क। ये है हिमालय का नीम पील ऑफ मास्क। ये हेल्प करता है आपके एक्ने स्कार्स को लाइटन करने में और हेल्प करता है आपके एक्ने पिंपल्स को कम करने में। तो ये एक्ने पिंपल्स को कम भी करता है, प्लस उनके जो मार्क्स होते हैं उसे भी बहुत कम कर देता है। प्लस ये आपकी स्किन को एकदम डीप क्लीन कर देता है। जितने भी डेड सेल्स होते हैं, डेड स्किन होती है, उसे ये एक्सफोलिएट कर देता है। तो इससे पहले इसका रिव्यू स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सदफ। मैं इस चैनल पे बनाती हूँ ब्यूटी एंड मेकअप वीडियोस और करती हूँ प्रोडक्ट के रिव्यूज। अगर आपको इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आपको पता चल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पील ऑफ मास्क की। ये है हिमालय प्यूरिफाइड नीम पील ऑफ मास्क और ये कुछ इस तरह की ट्यूब बॉटल में आता है और इस पे यहाँ मेंशन है इसका नाम और प्यूरिफाइंग नीम पील ऑफ मास्क। नीचे इसमें मेंशन है कि इट लाइटेंस पिंपल मार्क्स, तो मतलब आपके जितने भी पिंपल मार्क्स हैं ये उसे कम करने में हेल्प करता है। यहाँ पे इसमें मेंशन है कि ये बना है नीम एंड टर्मरिक से। तो नीम और टर्मरिक दोनों जो है एक्ने और एक्ने मार्क्स के लिए बहुत अच्छी है। नीम में एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है कि आपके जितने भी एक्ने होता है उसे हील कर देता है नीम, और टर्मरिक में एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो क्या करती है कि आपकी स्किन में जो एक्ने से रेडनेस हो जाती है उसे कम करती है। प्लस टर्मरिक का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि वो आपकी स्किन को वाइटन करने में हेल्प करता है, प्लस आपके स्कार्स को भी कम करने में हेल्प करता है। तो ये तो है इसमें दोनों चीजें प्रेजेंट, और इसमें मेंशन है कि इट रिमूव्स इम्प्योरिटीज एंड फर्म्स योर स्किन। इसका नेट वेट है 50 ग्राम और सबसे अच्छी बात है इस प्रोडक्ट की कि ये बहुत 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 अफोर्डेबल है। ये आता है सिर्फ 75 रुपीज में, तो ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। 75 रुपीज में आपको 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। अब बात करते हैं इसमें यहाँ क्या क्या मेंशन है। तो इसके पीछे वाली साइड में इसमें मेंशन है कि ये जो है एक पील ऑफ मास्क है एंड इस पावर पैक मास्क है विद नीम एंड टर्मरिक, और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड हर्बल कॉम्बिनेशन है जो क्या करता है एंटी माइक्रोबियल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और ये मास्क क्या करता है आपकी स्किन पे जो ऑयल आ जाता है, एक्स्ट्रा ऑयल आता है, उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है और ये प्रिवेंट करता है पिंपल्स को और लाइटन करता है पिंपल के मार्क्स को और आपकी स्किन को प्रॉब्लम फ्री बनाता है। प्लस इसमें मेंशन है कि ये तो इसमें यही दोनों मेंशन है कि ये आपके पिंपल मार्क्स को कम करता है और आपके डेड सेल्स जो होते हैं उसे एक्सफोलिएट कर देता है और इम्प्यूरिटीज को रिमूव करता है। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, इसके डायरेक्शन फॉर यूज है कि इसे आपको हाथ में लेके जस्ट पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है एंड वेट करना है फॉर 15 to 20 मिनट्स, जब तक ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई ना हो जाए। और ड्राई होने के बाद ये एक स्ट्रेची फील देगा आपको और आपको इसे पील ऑफ मास्क है तो ऐसे पील करके निकाल देना है। इसमें मेंशन है कि आप एक पैच टेस्ट जरूर कर लें। पैच टेस्ट हर प्रोडक्ट का करना बहुत जरूरी होता है कि आपको वो प्रोडक्ट जो है सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें अल्कोहल है, इसमें पॉलीविलाइल अल्कोहल है, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल है, और इसमें इसकी लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है सिलिकॉन एंड पैराबिन फ्री है और क्रुएल्टी फ्री है। और अगर आप टीनेजर हैं तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं, तो अबव 15 to 16 years वाले इसे यूज कर सकते हैं। चाहे बॉयज हो या गर्ल्स, अबव 15 to 16 years वाले इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम है, पिंपल प्रॉब्लम है, एक्ने के मार्क्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डेड स्किन हो रही है, तो उसे रिमूव करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है ना कि बहुत अफोर्डेबल भी है। तो चलिए अब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करके बताती हूँ कि ये कैसा है और हम इसका रिजल्ट लाइव देखते हैं। तो मैंने अभी अपने फेस पे कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ, सिर्फ लाइनर एंड लिपस्टिक अप्लाई की है, क्योंकि हमें वैसे भी माउथ एरिया और आई एरिया को छोड़ देना है, वहां पे नहीं इसे अप्लाई करना। बाकी मैंने फेस पे अपना फेस वॉश किया हुआ है और टोनर अप्लाई किया है, उसके बाद मैं ये अब अप्लाई करके देखती हूँ और फिर देखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। अब मैं अगर इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो ये एक ग्रीन कलर का है और थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी में है। देखिए एकदम ग्रीन कलर का रनी कंसिस्टेंसी है इसकी, और ये गिर गया थोड़ा सा, तो अभी से अप्लाई कर लेते हैं। अच्छे से पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन इसमें पता है मेरी आईज से थोड़ा सा पानी आने लगा है इसे लगाने के बाद। मे बी इसमें अल्कोहल है इसलिए मेरी आईज में थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, जबकि मैंने आईज के पास इसे लेके भी नहीं गई हूँ, और मेरी आईज में थोड़ा सा पानी आने लगा है।
बट ये नॉर्मल है, इसे घबराने की कोई बात नहीं है। 75 रुपीज में ये इतना सारा प्रोडक्ट मिल जाता है कि आप इसे काफी बार अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे। ये एटलीस्ट 10 से 20 टाइम्स तो यूज हो ही जाएगा। तो देखिए मैंने इसे अप्लाई कर लिया अपने फेस पे और अभी कुछ इस तरह लग रहा है, ये एकदम गीला गीला सा। अब मैं वेट करूंगी एटलीस्ट फॉर 15 से 20 मिनट्स तक और उसके बाद हम इसे पील ऑफ कर देंगे। तो अभी 20 मिनट्स के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए ये ना ड्राई हो गया है और मैं ना बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि पूरा स्ट्रेच हो गया है इसलिए। और ये मुझे 15 मिनट्स लगे हैं एटलीस्ट सुखाने में। समर्स हैं तो फैन चल रहा है जिसकी वजह से ये 15 मिनट्स में ही सूख गया है। तो अब इसे रिमूव करके देखते हैं, पील ऑफ करते हैं इसे। पूरा एकदम स्ट्रेच हो गया, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। देखिए एकदम ड्राई हो गया है और एकदम शाइनी हो गया है ड्राई होने के बाद ये। ठीक, तो अभी मैं इसे यहाँ से स्टार्ट करती हूँ पील करना। इसे लगाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, बट जब लगाया था मैंने उस टाइम थोड़ा सा आंख में लगा था हल्का सा। आओ इसे हटाना ना, इट्स सच अ पेन। आओ ओह माय गॉड, आंख से पानी निकल गया। ऐसे ये निकल के आएगा एकदम ग्रीन ग्रीन। नाक के पास आके ना थोड़ा सा लग रहा है, एक ही बार में निकालती हूँ जस्ट लाइक वैक्स। ओह गॉड निकल गया। स्किन की अगर बात करें तो काफी क्लीन लग रही है मुझे, ऐसा एकदम लग रहा है। देखिए शाइन भी एक आ गई है मेरी स्किन पे। अगर मैं पास से एकदम दिखाऊं तो ये देखिए एकदम लग रहा है इसने ना एक शाइन दे दी है मेरे फेस पे। और यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है बस। इसका ना सबसे बड़ा पेन इसका यही था, इसको रिमूव करना, क्योंकि इसे रिमूव करने में ना नानी याद आ गई मुझे। तो इसे रिमूव करने में बस मुझे थोड़ा सा पेन हुआ और मुझे हल्की सी यहाँ पे ना थोड़ी सी ऐसे जलन टाइप हो रही है। मैंने जल्दी से ऐसे फोर्सफुली पुश किया थोड़ी इस वजह से। अदरवाइज फेस बहुत क्लीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है एकदम फेस को क्लीन कर दिया है इसने। तो ये था हिमालय का नीम पील ऑफ मास्क जो कि बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को एकदम डीप क्लीन कर देता है और आपके पिंपल्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। आप इसे वीक में या फिर 15 डेज में यूज करिए एक बार और इससे आपकी स्किन जो है अच्छे से क्लीन हो जाएगी, आपकी स्किन की जो जो इम्प्योरिटीज है वो निकल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इसने मेरे ब्लैकहेड्स वगैरह या व्हाइटहेड्स जो है मुझे नोज पे उस पर कोई काम नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि इसने मेरे ब्लैकहेड्स या व्हाइटहेड्स निकाल दिए हैं फेस से, जस्ट इसने मेरे फेस को क्लीन किया है। लेकिन मेरे नोज पे जैसे व्हाइटहेड्स रहते हैं थोड़े से, कोई कोई ब्लैकहेड भी रहता है मुझे, तो वो है, वो नहीं कहीं भी गए। हाँ ऐसा है कि ऐसा लगा है कि वो ऊपर की तरफ आ गया है कि अगर मैं उसे एक्सट्रैक्ट करूंगी एक्सट्रैक्टर टूल से तो वो बहुत आराम से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन इसने निकाले नहीं है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि हाँ इसने मेरे सारे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स सब कुछ निकाल दिया। इसने सिर्फ मेरे फेस को थोड़ा क्लीन कर दिया है और मेरे फेस पे एक शाइन आ गई है और लग रहा है एकदम फ्रेश फील हो रहा है मेरा फेस। अब ये एक्ने पे कैसा काम करता है, एक्ने मार्क्स पे कैसा काम करता है, वो आप इसे जब रेगुलर यूज करेंगे तभी पता चल पाएगा। क्योंकि अभी मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज किया है तो फर्स्ट इंप्रेशन था मेरा इसका ये कि इसने स्किन अच्छी कर दी है, लेकिन रेगुलर यूज के बाद पता चलेगा कि क्या ये सही में एक्ने मार्क्स को कम करता है। क्योंकि देखिए मुझे एक्ने मार्क्स हो रहे हैं, एक्ने तो नहीं हो रहे हैं, एक्ने सिर्फ एक यहाँ हो रहा है एक्टिव एक्ने, बाकी थोड़े एक्ने मार्क्स हो रहे हैं। तो ये क्या सही में काम करता है, मैं इसे 15 डेज में ट्राई करूंगी अप्लाई करके या वीकली अप्लाई करके ट्राई करूंगी और फिर देखूंगी कि इसका रिजल्ट कैसा है। और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं कभी अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी, तो मैं इसे उसमें जरूर इंक्लूड करूंगी। तो ये तो थी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।